Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे guys और enjoy कर रहे होंगे. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं guys, मैं अपने सेकंड ऑर्चर्ड में हूँ, नाइन वाले. यहाँ बस guys घास काट रहे थे, देखिए बगीचे की मल्चिंग चली गई है. नीचे को गणेश घास काट रहा है. और गाइस मेरे को ज़रूरी ये चीज़ लगी कि आप लोगों को बताऊं, जो मतलब वैसे तो गाइस मैं सारा तो नहीं बोल सकता कि सबके पास इक्वल साइज़ आ रहा है टीरेक्स का. मेरे पास ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिस पे किसी पे साइज़ ठीक है, किसी पे नहीं है. मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है गाइस कि अलग अलग दो दो तीन तीन तरह का टीरेक्स कैसे हो सकता है. ये देखिए गाइस कितना प्यारा कलर, साइज सब कुछ प्यारा है गाइस. प्लांट में देख सकते हैं आप, इस साइड से तो बल्कि पूरा हो चुका है सेब तैयार. ये देखिए साइज चेक आउट कीजिए गाइस. और ऐसा नहीं है प्रोडक्शन एक ही टहने पे दो सेब लगे हैं, और इस पे देखिए इस पे भी लगभग पहुंच जाएगा साइज इक्वल. और ये देखिए इस पे तो गाइस प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी है. एक दो तीन चार पाँच, पाँच दाने रखे हैं. सेकंड ईयर प्लांट की है काफ़ी. ये देखिए स्पॉट्स अल्टरन एरिया के, ये इस साल की प्लांटेशन है गाइस. ये दवाई ने पूरा असर किया हुआ है, जो ख़राब पत्ते हैं उनको झड़ा रही है, पीले करती है देखिए. और ये बड़ी अच्छी बात है गाइस, जो कि हमारे लीव्स जो ख़राब हुए हुए वो दवाई ने पूरी तरह से जड़ा दिए. देखिए फ्रंट वाली रो में कम में ख़राब हुआ हुआ पत्ता, इसमें जो इस साल की प्लांटेशन है इसमें ज़्यादा है ख़राब. और ये देखिए ये भी टीरेक्स ही है ऊपर गाइस. ऊपर वाले ऑर्चर्ड में जो मेरे पास टीरेक्स लगा हुआ है, मतलब वो ये मैंने लास्ट ईयर मंगाए, वो टॉप वर्क करवाया था. मतलब उससे लास्ट ईयर मेरे कज़न ने मंगवाए थे. मतलब कि अब कैसे, ये है 2023 की प्लांटेशन गाइस जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ. और मेरे कज़न ब्रदर ने मंगाए थे प्लांट्स 2022 में. तो उनके जो टीरेक्स के सैंपल आए हैं मेरे पास, उसमें थोड़ा सा मेरे को साइज़ इशू लग रहा है. तो बाकी तो गाइस लास्ट में बता पाऊँगा कैसा है क्या है, मतलब श्योरली. बट ये देखिए, पहले तो गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखा रहा हूँ टीरेक्स, क्योंकि बिग बक्स बहुत ज़्यादा प्यारा बन रहा है, तो इसलिए मैं कब बिग बक्स बाद में दिखाऊंगा. ये ग्रैनी, ये देखिए ग्रैनी में तो साइज ही नहीं है गाइस, क्योंकि इसका वो टूटा हुआ है डंडा. ये देखिए गाइस साइज, कलर, शेप, मतलब सब कुछ बहुत प्यारा है गाइस. मतलब इतना मेरे को, हम लोगों को किसी को भी होप नहीं थी गाइस कि इतना प्यारा तैयार होगा. और ये देखिए गाइस, ये प्लांट टूट चुका था यहाँ से, और मैंने इसको प्लास्टिक से पैक करके अच्छे से तैयार करा था गाइस. इसको इस तरफ की ग्रोथ में डालूँगा मैं, मतलब जिसे मैंने कहीं सुना था गाइस कि टायर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है. इस पर भी हमने टायर बना दिया है, एक दो तीन चौथा फेदर यहाँ से, मतलब प्रॉपरली एक टायर यहाँ, फिर एक टायर यहाँ, एक टायर यहाँ निकलेगा. ये गाइस टीरेक्स अगेन इस साल की प्लांटेशन. ये गाइस हमारा ऑर्चर्ड. बट गाइस इसमें अल्टरन एरिया इस साल के प्लांट्स में ज़्यादा आया हुआ है, जो मेरे को लगा अभी तक जो हमारी बीमारी है वो नए प्लांट्स में कम है और पुराने, नए प्लांट्स में ज़्यादा है, पुराने प्लांट में कम है. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास नए प्लांट लगे, वहाँ से ड्रम से यहाँ तक.
और ये देखिए इससे आगे गाइस कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं आप। बहुत कम जो हमारे पत्ते कीड़ों ने खाए है बस वही है ज़्यादातर। गेन यहाँ देखिए ग्रैनी स्मिथ, यहाँ का इस ग्रैनी का साइज हल्का सा कम है क्योंकि ये थोड़ा लोअर एलिवेशन भी है और साथ में डेंस एरिया है। यहाँ पे गाइस सनार्स बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। और जिसमें आपको ये वाली रो में देखिए सेब दिखे ही नहीं क्योंकि इसमें हमें गाइस कीड़े ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, इस वजह से ये तो यहीं लाना पड़ेगा गाइस, इसको बेंड करना पड़ेगा। मतलब ये भी रूट चल पड़ा है गाइस, रूट के साथ कुछ कुछ रूट्स चले हैं गाइस, बाकी ज़्यादातर तो नहीं चले हैं। ये वाले पेड़ में तो गाइस ग्रोथ ही नहीं थी, अब जाके आई है। ये है गाइस मैं मगाला 16316 और ये अगेन इस साल के प्लांट्स। ये वाली रो तो गाइस पूरी है, इसमें कुछ पेड़ यहाँ पे ज़ेड बन के है, फेनो का जेड वन है गाइस, ये देख सकते हैं साइज शेप लॉन्गेस्टेड है गाइस विदाउट पीजीआर विदाउट कुछ भी नहीं करा है गाइस इसमें। ये देखिए देख सकते हैं साइज, देखिए Z1 FanZ on M9 और ये फोटो हुआ है गाइस फैनो की ही नर्सरी से जहाँ पे ये पेड़ ये वैरायटी डेवलप हुई थी उसी से ही आई है हमारे पास। बाकी मैक्सिमम जगह तो गाइस और नर्सरीज की वैरायटीज आई है, ये मेरे पास ही आई है फैनो से। इसमें गाइस इस बार दिक्कत भी बहुत रही थी, क्या कहते हैं लास्ट ईयर सॉरी मेरे 100 प्लांट्स थे जो पूरी तरह से ख़त्म हुए, यही चले हैं 5 पेड़, 1 2 3 एक वहाँ पर है 4 एक यहाँ है, 5 पेड़ मात्र गाइस लास्ट ईयर के जो सर्वाइव हुए थे हमारे। बड़ा दुख हुआ था गाइस क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं 800 रुपये का पेड़ था ये फैनो का, क्योंकि और जगह से तो गाइस मेरे को वैसे 650 रुपये की 600 कुछ रुपए का पड़ रहा था, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया था प्लांट क्योंकि ये फैनो की नर्सरी से इंपोर्ट हुआ हुआ था, इस वजह से मैंने इस पे ज़्यादा वो किया कि भाई नहीं मेरे को वही चाहिए बिकॉज ओरिजिनल वैरायटी अपने पास बहुत कंपलसरी है। देखिए आप लोग बाकी फ्रूट देख सकते हैं गाइस, साइज देख सकते हैं Z1 काफ़ी प्यारा है और देखिए रस्ट भी नहीं है Z1 में। मैंने आपको 1 2 3 4 मतलब काफ़ी दाने दिखा दिए गए, 4-6 दाने जो मैंने रखे हुए क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं रखे गए। मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ गाइस क्योंकि फैनों के जो ट्रीज है वो बहुत कम ओरिजिनल आए हैं। देखिए फैनो SRL वैरायटी रेड लीशियस FanZ, बाकी आप इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो साइज देख सकते हैं आप, फ्रूट साइज ये ओरिजिनल है, जितना मुझे पता है गाइस तो उतना तो ये ओरिजिनल आए है। बाकी आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि 2 नंबरी बहुत होती है गाइस, बताते क्या है होता क्या है, लेकिन हाँ
मैंने इसके लिए 150-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करी है Z1 के लिए, तो इसलिए मेरे पास क्लियर होके ओरिजिनल वैरायटी आई है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा उससे बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास मतलब लास्ट ईयर गाइस 20 प्लांट्स, हाँ मैंने भी सच्ची मैं भूल चुका था वो बात, लास्ट ईयर कहीं और से इम्पोर्ट करवाए थे, मतलब इम्पोर्टर का नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो मैंने इसका टैग और उसके टैग मिक्स मैच करे, तो उसमें पता चला कि वो किसी और ही नर्सरी से आए हुए है, मतलब फैनों वालों के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर मैं उनसे बात करी 20 प्लांट्स वालों से, मैं कहा ये फैन जेड जो हमारा एप्पल है ये, मैं कहा आपने किसके थ्रू लिया है, किस नर्सरी से लिया है आप लोग, मैं कहा फैनों वालों से नहीं लेते, कहते नहीं। उन लोगों ने क्लियरली कहा कि भाई नहीं, हम लोगों का फैनों के साथ कोई वो नहीं है। ये देखिए अब यहाँ से आगे गाइस ये हमारे बिग बक्स की रो है, वहाँ लास्ट तक इसमें काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं, और देखिए जी बिग बक्स, इसको तो थोड़ा सा कीड़े नहीं देख सकते आप लोग, खा के इसकी शेप बिगाड़ी है, बट जो सेब हमारे पास बिल्कुल, ये देखिए इस पे भी यहाँ पे अटैक हुआ हुआ देखिए, और ये देखिए गाइस ये बिल्कुल सेफ सेब है, कलर साइज इरेक्स से अच्छा साइज लगा गया इसमें, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, हर एक चीज़ ये देखिए, एक तरफ को आप लोग कलर भी देख सकते हैं। अभी हार्वेस्ट के लिए भी गाइस काफ़ी टाइम है यहाँ पर, रहा इन पेड़ों को भी मैंने कोशिश तब करना पड़ता है, अब एक आधा दिन लगेगा गाइस, एक ये पेड़ है मेरा टिड्डा, एक वो पेड़ है टिड्डा, और तीन पेड़ ये हैं कटेरे गाइस, इनको तो मेरे को क्लियर करना ही है इस बार सीधा। ये देखिए गाइस शेप देख सकते हैं आप एप्पल की, जो कि सबसे ज़रूरी होती है, ये अगेन ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर्स जो हमने डाल रखा है। ये देखिए गाइस ये तो सेब, मैं इसका ओरिजिनल कलर दिखाता हूँ, वाइन रेड है, ये देखिए जितना मेरे को पता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग वाइन रेड, और साइज रहने दे, ये देखिए ये हमारा बिग बक्स, इस पे तो गाइस बहुत प्यारी प्रोडक्शन है, देखिए पेड़ भी टेढ़ा हो रखा है हमारा, इस पेड़ पे गाइस पता लग जाएगा ज़रा इस साल कितना हम लोग मतलब मैक्सिमम बंदे में से लास्ट ईयर बिग बक्स ले गए हैं, जो उनके लिए ही मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें कितनी प्यारी प्रोडक्शन आई है, इसमें भी इधर भी काफ़ी अच्छी है, देखिए ये वाला सेब तो गाइस दूर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ, पेड़ साइज कलर, ये थोड़ा ये जो इस पर धूल आई है, ये परसों मैंने ग्रास कट करा था, तो हमारा घास है उसको, ये देखिए काफ़ी प्यारा सेब तैयार हो रहा है गाइस, ये देखिए साइज चेकआउट कीजिए, इतने सेब लगने के बाद भी गाइस इतना अच्छा साइज आ रहा है, देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं है गाइस कि किसी दाने में जो दाने देखिए जो कीड़े ने खा रखे है उसी में ही थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी अदरवाइज तो किसी भी चीज़ में ऐसी दिक्कत नहीं आई है मेरे को अभी तक नज़र, तो बस गाइस बाकी मैं बाद में मिलता हूँ आपसे।